और वो पुल पानी से दहा जाए। जय हो जय हो। ओकरा बाद साल बचवाला, ओकरा बाद से फेन अभी हम जा रहे हैं छपरा से सत्तरघाट पुल होते हुए मोतिहारी, और ऐसा रास्ता है कि आप समझ सकते हैं कि जैसे ही बढ़िएगा यानी कि मशरक होते हुए आप सत्तरघाट के तब जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा बेहतरीन सड़क, लेकिन सड़क जो है ना वो पुल से उसका संपर्क ही नहीं है। फिर गांव होते हुए हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आप पीछे पानी देख सकते हैं, तो इसको हम लोग जैसे तैसे पार किए हैं। अब आगे आप जब देखिएगा, आगे जाइएगा, यानी कि सत्तरघाट पुल का संपर्क टूट गया है, यहाँ पे एक पुल का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जो सड़क बाढ़ के कारण टूट गया था फिर उसको अधूरा ही छोड़ दिया गया है। चलिए आगे और आपको दिखाएंगे इसी सड़क के बारे में बहुत अच्छे अच्छे जगह, यानी गड्ढे से भरा हुआ, जिसमें कि मंत्री एवं अधिकारियों को उसमें डूब जाना चाहिए और फिर तैर के उसमें से धीरे 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 पार होना चाहिए। खा लगे देखने में नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सड़क का हाल है, नीचे दिखाइए, यहाँ दिखाइए, ये सड़क है, देखिए ये सड़क है और सड़क टूट गया। इधर दिखाइए, इधर की तरफ दिखाइए, जिधर से हम लोग आ रहे थे, और ये सत्तरघाट पुल का रास्ता जाता है इधर से, जो बिहार में है। और आप समझ सकते हैं कि क्या दुर्दशा इस सड़क का। इस सड़क पे हम पिछले साल भी वीडियो किए थे, इस साल भी कर रहे हैं। इसकी दुर्दशा को देखकर ऐसा लगता है कि भारत का विकास कहीं फंस गया है, अटक गया है, जो कि अभी निकल नहीं रहा है। आगे देखिए कब तक वो निकलेगा बाहर। अभी हम सत्तरघाट पुल पर हैं और आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि पुनः पधारें यानी विजिट करें, यानी फिर इधर आए। कि ये सड़क कब से टूटा है चचा? दो साल से बेसी हो गए। अभी तक ना बनल ना। अच्छा, एकरा के जब बनावल गए रहे तो पूरा चालू हो भेल रहे, बहुत बढ़िया से चालू हो गए, यानी यहाँ से छपरा जाए में रहुआ 50 किलोमीटर करीब पड़त रहे, 50-55 किलोमीटर यहाँ से छपरा पड़ता था। और इसका कनेक्शन इसीलिए किया गया कि गोपालगंज और मोतिहारी के बीच में नज़दीकी हो, यही कारण है ना। यहाँ पे आगे लिखा है, आगे रास्ता बंद है, कार्य प्रगति पे है, लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रहा है। और बाढ़ के कारण टूटा था सड़क पहले, INH है, और बाढ़ के कारण टूटा था, लेकिन अभी तक इसका मरम्मत नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या कारण बाकी अभी तक नहीं बना? अति पुल बोने के में हाथ लागल बात, दो साल लगे लगे, 3 साल लगे, अति कोनो एकर गारंटी नहीं है। 5 साल में बनी कि कब बनी, कोई जानता है? कंपनी जानी, सरकार जानी कब ले तैयार। अच्छा, तो पुल बनने से का फायदा था? कोनो फायदा नहीं है, चालू नहीं है, तो फायदा कोनो नहीं है। जब पुल इतना खर्चा लगा के बनल, एक बार चालू हो गए, हां चालू हो गए, तो एकरा से का फायदा बा? का फायदा बा? कुछ नहीं, उससे बनिया बाकी बाद में बनाइत लोग। हां,
पहले रात बना के तो अभी बनौले रहते जमान चालू हो रही चालू हो के खत्म हो गए चालू भोले पर से खत्म हो गए। ये रास्ता चालू था यानी कि शुरू हो गया था सब एकदम बढ़िया से चालू हो गए रहे बढ़िया से साल बचल और बाद साल बचल और बाद से फैन खत्म साल बचल किया खत्म। आप समझ सकते हैं कि ये सड़क सिर्फ एक साल के लिए बना है और पुल की लागत यानी कितनी लागत हुई होगी इसमें कितना खर्चा हुआ होगा आप उसको समझ सकते हैं। और इस पुल को बनने के बावजूद भी इससे कोई फायदा नहीं है भी इसका कनेक्शन अभी तक सही से नहीं हो पाया है। ये सड़क एक साल चला और एक साल के बाद टूट गया जहाँ तक एक बार बाढ़ आया और उसके बाद से अभी तक नहीं बना है क्या जी नहीं बना है नहीं बना कहाँ बना ली तो यति हो गई हाँ इधर आइए आई तक भैया हाँ देखिए इस पुल के बारे में इस पे साफ साफ लिखा है कि पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के अंदर में ये पुल बना और एनएच को आगे एनएच भी है यानी सबको जोड़ने के लिए पुल बना बिहार सरकार ने बनाया इसको। शिलान्यासकर्ता श्री नीतीश कुमार रहे और मुख्य अतिथि श्री सुशील कुमार मोदी हुए। अब ये सब इन लोगों के उपस्थिति में इस पुल का उद्घाटन भी होता है पुल चालू हो जाता है और पुल फिर बंद हो जाता है एक साल में तो इसको सफलता बोला जाएगा या सफलता यानी क्या कहल जी सफल बालो की फेल बालो फेले बालो फेल बालो की पास बालो ना फेले का है अच्छा ये पुलवा से क्या फायदा बा कुछ फायदा नहीं किए इधर काट दिया फायदा क्योंकि आए में जाता आया होता थोड़ी यहाँ लिखल नहीं के सीधा गंडक नदी सत्तर घाट पर 263.48 करोड़ में यानी ₹2,63,48,00,000 में निर्मित हुआ है कितना 263.48 करोड़ में ये निर्मित हुआ है पुल और इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे इसको जोड़ने वाली सड़क ही टूट गई है। अब बिहार सरकार के वर्तमान पथ निर्माण मंत्री और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव को भी 2 महीना हो गया देखते हैं वो इस काम को कितने दिनों में पूरा करवाते हैं ये देखने वाला विषय होगा क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकार थी यानी पूर्ववर्ती भी नीतीश कुमार की ही सरकार थी लेकिन जिस पार्टी की सरकार थी उन्होंने इसको बनवाने में वो असफल रहे। आगे बोर्ड सिर्फ लगा दिया गया कि बाढ़ के पानी कारण आगे का रास्ता बंद है और फिर इधर लगा दिया गया है कि आगे रास्ता बंद है कार्य प्रगति पर है। कार्य प्रगति का मतलब कुछ नहीं है सड़क बीच में टूटा हुआ है और इतना टूटा हुआ है कि कोई आ जा नहीं सकता है और इसको बनाने का कोई औचित्य ही नहीं बन रहा है कारण कि अभी तक इसका काम अधूरा है और पुल पानी से दहा जाला बनिया से बनावला लोग एकदम ए वन की मतलब ना होले मटेरियल ए वन के पैसा खर्चा करेला।